आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अगस्त महीने में पैदा हुए लोगों के विषय में। अगर आपका जन्म अगस्त महीने में हुआ है तो वीडियो है आपके लिए। अब अगर आपका जन्म अगस्त महीने में 1 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में हुआ है तो आपका सनशाइन होगा लियो यानी कि सिंह, और अगर आपका जन्म 22 तारीख के बाद यानी 23 तारीख से लेकर अंतिम तिथि 31 अगस्त के बीच में हुआ है तो आपका सनशाइन होगा वर्गो यानी कि कन्या। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य यानी कि सन, और कन्या राशि का स्वामी होता है मरकरी यानी कि बुध। तो आपकी जन्मतिथि पर, आपकी डेट ऑफ बर्थ पर प्रभाव पड़ेगा या तो सूर्य का पड़ेगा या फिर पड़ेगा मरकरी का। और चूंकि 8वां महीना है तो 8वां महीना है शनि देव का, तो शनि का प्रभाव तो अगस्त में पैदा होने वाले सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। हम इस चैनल में आपके लिए नियमित रूप से लाते हैं वैदिक साइंस से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं जो कि अगस्त महीने में पैदा हुए हैं, उन्हें ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने में पैदा हुए लोगों के विषय में कि अगस्त महीना है 8वां महीना और ये शनि से प्रभावित है। शनि एक स्लो ग्रह है, उसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, इसलिए अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत क्विक नहीं होता। वे सारे काम सोच समझ कर करते हैं और निर्णय लेने में भी थोड़ा सा विलंब लगाते हैं। पर अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो सफलता मिलेगी वो केवल परिश्रम से मिलेगी। परिश्रम करना तो इनके नेचर में आ जाता है। अगर ये लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने साथ काम करने वाले को इज्जत दें, सम्मान दें और उनकी बातों को सुने तो सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रहेगा। अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोग बहुत परोपकारी होते हैं, दूसरे की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मदद जब करते हैं तो इसके पीछे यही नहीं देखते कि उनको इसका क्या रिटर्न मिलने वाला है। वो किसी लालच के लिए, किसी काम के वजह से या किसी स्वार्थ के रूप में परोपकार नहीं करते, वो तो परोपकार करते हैं क्योंकि उनके नेचर में यह होता है। अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोगों की टॉलरेंस पावर, उनकी सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, वे मुसीबत में भी घबराते नहीं। ऐसे लोग बाग बहुत डिटरमाइंड होते हैं, ये अपना निश्चित कर लेते हैं गोल और उस गोल को पाने के लिए सारे प्रयास करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि उस गोल को वो कैसे पाएंगे और वो उस गोल को पा भी जाते हैं, क्योंकि परिश्रम उनके नेचर में बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं। ये बात अगस्त में पैदा होने वाले लोगों के ऊपर पूरी तरीके से फिट होती है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरे को साथ लेकर चलने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है और इसलिए इनका सर्किल भी काफी बड़ा होता है। ये दूसरे के बंधन में बंधने को पसंद नहीं करते, ये आजाद ख्याल के होते हैं और दूसरे के ऑर्डर्स, दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को ये एक बोझ समझते हैं, इसलिए जहां भी काम करते हैं वहां लीडरशिप की क्वालिटी इनमें बनी रहती है और ये सबसे आगे चलते हैं, दूसरे लोग इनको फॉलो करें इसमें इनको गर्व होता है। यानी अपने आप को टॉप में रखने के लिए ये सदैव ही प्रयत्नशील बने रहते हैं। ये लोग खुद तो मोटिवेटेड होते ही हैं, साथ ही साथ अपने साथियों को मोटिवेट करने में भी इनका बहुत दिलचस्पी रहती है, इसलिए ये सबको एनर्जाइज करते रहते हैं ताकि इनके साथ वाले भी मानसिक रूप से स्ट्रांग बने रहें और अपने काम में समर्पित बने रहें। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं करते, चाहे उसके लिए किसी से इनको लड़ना भी पड़े। अगस्त में पैदा हुए लोगों पर सूर्य का बहुत आशीर्वाद होता है, इसलिए ये लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, इनके ऊपर बहुत ईश्वर की कृपा होती है, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं, इनका रहन सहन बहुत अच्छा होता है, ये लोग टिप टॉप रहना पसंद करते हैं।
अपने बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। जिसकी भी इनको मदद करनी होती है ये सदैव मदद के लिए तत्पर बने रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगस्त में पैदा होने वाले लोगों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में। अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोग सामान्यतः लव लाइफ के मैटर में थोड़ी सी रिजर्व होते हैं। ये लोग चूंकि अपने आप को एक्सप्रेस उतना भली भांति नहीं कर पाते, इसलिए अपनी भावना को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी भावना को प्रदर्शित नहीं कर पाते। हाँ, मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अपने पार्टनर के प्रति समर्पित होते हैं और पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं, पार्टनर से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी उनका पूरी तरीके से ख्याल रखे। इस प्रकार इनकी मैरिड लाइफ एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ होती है। इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और ये एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं कि जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके पीछे कारण यह है कि इनकी वाणी में कई बार कुछ कर्कशता आ जाती है, क्योंकि ये 8 नंबर से जुड़े हुए होते हैं, इनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। हाँ, अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोग डिसिप्लिन होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी वो ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इसी प्रकार डिसिप्लिन हो और उनके काम में सहयोग दे। और जब कभी ऐसा बैलेंस नहीं होता तो थोड़ा सा टेंशन तो स्वाभाविक होता है। ये लोग रिश्तों में ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, परंतु जो इनके मित्र होते हैं वो इनसे बहुत गहराई तक जुड़े हुए होते हैं। इनको हेल्प करना पसंद होता है और ये अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते। अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोग नेचर के बहुत करीब होते हैं। चाहे वो ट्रैकिंग हो या धार्मिक यात्रा हो या किसी हिल स्टेशन पर जाना हो, ये इनको बहुत लुभाता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, नॉलेज को ग्रहण करने के लिए सदैव रेडी बने रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। पर अगर किसी कारण पढ़ना लिखना या उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं भी कर पाए हों तो इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। आप बहुत सारे अच्छे सरकारी पदों पर अगस्त बॉर्न पीपल को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा करियर इनके लिए अच्छा है। इन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये लोग मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, भूमि प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए बिजनेस में भी इनको सफलता के रास्ते मिल सकते हैं। अगर इनका व्यवसाय में इंटरेस्ट हो तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर भी काम करें तो वो भी इनके लिए अच्छा हो सकता है। ये फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, प्रोडक्शन के काम में इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश से व्यापार कर सकते हैं, एक्टिंग, सिंगिंग या पॉलिटिक्स, ये भी इनके लिए अच्छे क्षेत्र होते हैं। इनके लिए एक और अच्छा क्षेत्र है, वो है इनके लिए स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इनको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है अगर ये थोड़ा सा परिश्रम करें और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं। अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजिशन की, तो धन के मामले में ये बहुत लकी होते हैं। इनको धन प्राप्त होता है, इनको धन की सामान्यतः कोई कमी नहीं होती है। ये लोग कैलकुलेशन में बहुत तेज होते हैं और कई बार लोग इनको स्वार्थी समझ लेते हैं, परंतु ये स्वार्थी नहीं होते हैं। ये अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि धन कमाने के चक्कर में कई बार ये लोग फैमिली को इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं। तो अभी तक हमने बात की अगस्त में पैदा होने वाले लोगों की उन विशेषताओं की जो उनमें होती हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अगस्त के पैदा होने वालों में होती हैं, जिसको आप उनकी खामियां कह सकते हैं, उनकी कमजोरियां कह सकते हैं या लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट कह सकते हैं। कई बार ये लोग थोड़े से उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, इनमें गुस्सा देखा जाता है। सामान्यतः ये लोग स्वभाव के नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, कूल होते हैं, परंतु कई बार बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। और जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो अपने रिलेशंस, अपने सारे संबंध खराब कर लेते हैं। ये एक नेगेटिव पार्ट है, इसलिए अगस्त पैदा होने वालों को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब भी ऐसी स्थिति आए कि जहाँ पर कि उनके विचार नहीं मिल रहे हों, जहाँ पर कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, वहाँ उस स्थिति को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, वहाँ बातचीत को अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसे लोग स्वभाव के थोड़े से लापरवाह भी होते हैं और उस कारण अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो उनको लाइफ में मिलती हैं उनको वो गंवा देते हैं और उससे उनकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इसलिए सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को अगर क्रैक करेंगे, उसको ग्रैब करेंगे, तो वो बहुत आपके लिए लाभप्रद होगी।
ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के प्रति और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के प्रति भी बहुत वफादार होते हैं। ये जो कमिट कर लेते हैं उसमें हमेशा खड़े उतरते हैं। तो चलिए अब आखिरी में हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो अगस्त महीने में पैदा हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन टिप्स का अगर आप फॉलो करते हैं, इन टिप्स को आप पालन करते हैं, तो आपका जीवन और बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ हम उन कलर्स की भी बात करेंगे जो आपके लिए शुभ होंगे, उन डेट्स की बातें भी करेंगे जो आपके लिए शुभ होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर की। आपके लिए रेड कलर, ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर, रेड, ऑरेंज एंड गोल्डन, ये आपके लिए शुभ रंग है। इनका आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, डार्क कलर, विशेष रूप से ब्लैक कलर और ब्लू कलर आप अवॉइड करें। पर्टिकुलरली जब आप किसी इम्पॉर्टेंट डेट पर जा रहे हैं तो इन कलर्स को पूरी तरीके से अवॉइड करें। आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं वो नंबर है 2, 5 और 9। इसी प्रकार जो भी कॉम्बिनेशन वाले नंबर हैं, जैसे कि 2 है, 11 है, 21 है, ये नंबर आपके लिए अच्छे हैं। साथ ही साथ 5 है, 14 है, 23 है, या 9 है, 18 है और 27 है, ये डेट्स भी आपके लिए शुभ डेट होती हैं। आपके लिए शुक्रवार और मंगलवार, ये दोनों डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जब आप कोई इम्पॉर्टेंट काम करें तो या तो संडे को करें या ट्यूसडे को करें या इन डेट्स पे करें जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं। इन सब चीज़ों का आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, फ्रेंड्स को भी टाइम देना चाहिए और कुछ क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली के साथ बिताएं, आउटिंग पर जाएं, आप अपने फादर या फादरली जो भी व्यक्ति हैं उनको सम्मान दें, उनकी सेवा करें, साथ ही साथ उनके साथ कुछ समय ज़रूर शेयर करें। इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपको जीवन में प्रगति मिलेगी। आपको नेचर से जुड़कर रहना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय ज़रूर गुजारें, मेडिटेशन का कार्य करें, गार्डनिंग में समय दें, तो जीवन में बैलेंस बना रहेगा। आप अपने आप को समय का डिसिप्लिन में बांध के रखेंगे तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य को आप नियमित रूप से जल दें, भगवान गणेश और भोले शंकर की आराधना करें, इसे अपने नियमित दिनचर्या में। तो गाइस, ये था अगस्त महीने में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगर आप अगस्त महीने में पैदा हुए हैं तो अपने आप को कितना कनेक्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन से, और अगर आपके कोई मित्र, आपके रिश्तेदार या आपके लाइफ पार्टनर अगस्त महीने में पैदा हुए हैं तो उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जो कि निश्चित रूप से पेड होगा, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल करके हमसे सलाह ले सकते हैं। चलते चलते मैं उन डिग्निटीज के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि अगस्त में पैदा हुए हैं। आप उनसे प्रेरित होइए, उनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए जो कि अगस्त महीने में पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं किशोर कुमार की, जो कि एक सिंगर हैं। दूसरे सिंगर की बात करूँगा जो कि हैं दलेर मेहंदी, और साथ ही साथ उदित नारायण और सुनीति चौहान, ये सभी सिंगर हैं, ये अगस्त महीने में पैदा हुए हैं। अब बात करता हूँ पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में कपिल सिब्बल, आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और वीवी गिरी जो कि राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी अगस्त महीने में पैदा हुए हैं। निर्मला सीतारमण भी अगस्त महीने में ही पैदा हुई है। अगस्त महीने में पैदा होने वाली अभिनेत्रियों की बात करूं तो काजोल, श्रीदेवी और जेनेलिया डिसूजा भी अगस्त महीने में पैदा हुई। साउथ के प्रसिद्ध हीरो महेश कुमार भी अगस्त महीने में पैदा हुए हैं और बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी भी अगस्त महीने में पैदा हुए थे, और भारत रत्न प्राप्त मदर टेरेसा का जन्म भी अगस्त महीने में ही पैदा हुआ था। तो इन सब से आप भी मोटिवेट होइए, सफलता के नए अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आप अगस्त महीने में पैदा हुए हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और एसओ सौभाग्यम के इस चैनल को देखते रहिए।